फुलझड़ी और मैं श्रुति। अगर बात यूनिकॉर्न की करें तो भारत इस मामले में कई विकसित देशों से आगे निकल चुका है। चीन, ब्रिटेन और कनाडा की तुलना में भारत में कैलेंडर ईयर 2021 की तीसरी तिमाही में यूनिकॉर्न की संख्या विकसित देशों को भी पार कर गई है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। इस विषय में आगे बात करने से पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसे स्टार्टअप से है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 अरब भारतीय करेंसी में तकरीबन 73 अरब रुपए हो। चालू कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत ने 10 यूनिकॉर्न कंपनियां जोड़ी हैं। इस अवधि में चीन और हांगकांग में 7, अमेरिका और कनाडा में 4 यूनिकॉर्न से जुड़े हुए हैं। इस हिसाब से संकेत मिलते हैं कि भारत में निवेश गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है। ये स्टार्टअप्स की मेहनत का ही नतीजा है कि साल भर के भीतर ही देश की 28 स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न का दर्जा पाने में सफल रही हैं। साल 2011 से 2014 की तुलना करने पर पता चलता है कि इन 3 सालों में हर साल केवल एक ही ऐसी कंपनी को यूनिकॉर्न बनने का मौका मिला है। लेकिन साल 2015 के बाद से लगातार इस उपलब्धि में बेहतर प्रदर्शन देखा जा रहा है। 2021 में बेहतर प्रदर्शन कर रही स्टार्टअप कंपनियों में गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही ग्रोसरी से जुड़ी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। गेमिंग में मोबाइल प्रीमियम लीग, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वाली कंपनी क्वाइन DCX, फिनटेक कंपनी भारत पे शामिल है। भारत के स्टार्टअप में किए जाने वाले निवेश का औसत आकार बढ़ा है और इसके साथ ही फंडिंग के राउंड तेजी से आकार ले रहे हैं। इस वजह से तकरीबन सभी सेक्टर में डील से संबंधित गतिविधियों में तेजी आई है। चालू कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से ही स्टार्टअप में निवेश में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। 2021 में भारत में स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनियों की बात करें तो इसमें भारत पे जो एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है और इस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर, भाविक कोलाडिया और शाश्वत नकरानी है। कंपनी का सालाना टर्नओवर $2.85 बिलियन है। अगर बात अपग्रेड की करें तो यह एक उच्च शिक्षा का चयन करने वाले सभी छात्रों के लिए एक ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम है। दुनिया के कुछ शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप करते हुए अपग्रेड छात्रों के लिए तैयार पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला लाता है जिसमें स्नातक की डिग्री, MBA, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पाठ्यक्रम और बहुत सारे कोर्स शामिल हैं। $185 मिलियन के फंड रेज की मदद से कंपनी 6 अगस्त 2021 को यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर चुकी है। शेयर चैट की बात करें तो यह एक वीडियो को शेयर करने वाली भारतीय सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसे 2015 में मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसके फाउंडर अंकुर सचदेवा और भानु प्रताप सिंह हैं। कंपनी के पास वर्तमान में 400 से अधिक कर्मचारी हैं और 50 मिलियन यूजर्स हैं। जुलाई के महीने में कंपनी का टोटल वैल्यूएशन $3 बिलियन से अधिक था। अगर मीशो की बात करें तो ये सोशल ई कॉमर्स कंपनी है जो 2015 में 2 बैचमेट्स द्वारा स्थापित की गई थी। इसके फाउंडर संजीव बर्नवाल और विदित आत्रे हैं। इस कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। मीशो के पास खुद की ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप है जो कि यूजर्स को मुफ्त में सामान खरीदने और बेचने का एक प्लेटफॉर्म देती है। जुलाई के महीने में इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन 3.5 बिलियन था। जहां एक तरफ देश तरक्की कर रहा है तो वहीं लोगों में इससे बढ़ती बीमारी भी हो रही है। हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, पहला सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक। स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनियों में भी यही हाल है। यूनिकॉर्न कंपनियों के ओनर्स की बात करें तो जब कंपनियां स्टार्ट होती हैं तो उन पर इतना प्रेशर होता है कि वे अपनी कंपनी को आगे ले जा पाएंगे कि नहीं, इसके साथ साथ कस्टमर्स की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे कि नहीं। इसकी वजह से कई बार लोग काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं और वे इस बात को किसी से बता भी नहीं पाते। इसके साथ ही कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव के साथ साथ मालिकों में भी डिप्रेशन के मामले सामने आ रहे हैं। भारत में जहां एक तरफ स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनियां बुलंदियां छू रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ डिप्रेशन के मामले भी बढ़ रहे हैं। आपका इस जानकारी पे क्या कहना है, अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके हमसे जरूर साझा करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।